सब्सक्राइब करें हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और बेल आइकन दबा कर पाएं सभी नोटिफिकेशन। और चंडीगढ़ में हमारे सहयोगी चंद्रशेखर धरनी ने बीजेपी के नए अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ से एक्सक्लूसिव बातचीत की। बीजेपी के नवनियुक्त प्रदेशाध्यक्ष ओपी धनखड़ जी हमारे साथ मौजूद हैं, ओपी धनखड़ जी से बातचीत करेंगे। सबसे पहले धनखड़ साहब आपको बहुत बहुत मुबारक। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। आपके मीडिया ने बहुत अच्छी खबरें चलाई हैं, उसके लिए भी आपका धन्यवाद। धनखड़ साहब, प्रदेशाध्यक्ष बनने के बाद अब सबसे पहले चुनौती जो है वो रहेगी, कोरोना की तो है ही है, लेकिन उसके साथ साथ अब बड़ौदा के चुनावों को लेकर भी आपके लिए चुनौती सामने है। पहले तो मैं सामाजिक चुनौती को सबसे बड़ी मानता हूँ, जो महामारी की समाज के सामने आई हुई है, उसके लिए काम करना एक सबसे महत्वपूर्ण काम है। और इसलिए हर कार्यक्रम में भी मैं अपील करता हूँ कि सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, सैनिटाइजर हमेशा अपने पास रखें, इससे ज़्यादा से ज़्यादा अपना ख्याल रख सकें, अपनी केयर कर सकें और दूसरों को भी केयर करने के लिए सजग करते हैं, जिससे कम से कम लोग इस बीमारी का शिकार हों। धनखड़ साहब, प्रदेशाध्यक्ष बनने के बाद अब संगठन को पुनर्गठन की चुनौती भी आपके सामने है, उसके अलावा देखा जाए तो कहीं ना कहीं जो संगठन को बहुत मजबूती से खड़ा करना और संगठित करना, क्योंकि 40 पर सिमट कर रह गई थी बीजेपी, ये सब चीज़ों को कैसे देखते हैं आप? बीजेपी के लिए तो पहली बार सरकार आई थी 14 में, ये बीजेपी के लिए अचीवमेंट है कि वो रिपीट हो गई है। हरियाणा की परंपराएं तो ऐसी रही हैं कि एक बार आती है फिर आती नहीं है, फिर आगे कभी आती है। तो जैसे हिमाचल, राजस्थान, बहुत सारे राज्य हैं जो बार बार सरकार बदलते रहते हैं, हरियाणा में ऐसे अपवाद हैं जो सरकारें इस तरह से रिपीट हुई हैं, तो इस नाते से तो ये मैं इसको अचीवमेंट मानता हूँ। लोकसभा में 10 की 10 सीटें एक पार्टी जीतती है, विधानसभा में 75+ का नारा देती है तो 40 तक अटक जाती है, क्या कारण मानते हैं इसके? देखिए, उस समय तो हमारी 79 आई थी, लोगों ने समर्थन दिया था, वही कहा था, बल्कि 4 घटा के कहा था। उसके बाद जनता ने 40 पर पहुंचाया, उसको भी मैंने कहा कि इट इज़ आवर अचीवमेंट। अगर हरियाणा के पैटर्न को देखें तो हमारी बड़ी अचीवमेंट थी, लेकिन हमने और अगर मेहनत करके आगे फिर से उस प्रकार का, जैसे मैंने कहा कि जिन राज्यों में बार बार सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनी है, एक अच्छा जन समर्थन खड़ा किया है, एक अच्छा कैडर खड़ा किया है, उस रास्ते पर आगे बढ़ेंगे। प्रदेशाध्यक्ष की जंग में कई लोग शामिल थे, कई बड़े चेहरे शामिल थे, तो अब सबको साथ लेकर चलना भी आपके लिए क्या सहज रहेगा? हम सब दोस्त हैं, सब ने सालों साल इकट्ठे काम किया है और सब एक दूसरे से बहुत अच्छे मित्रता के भाव में हैं और भारतीय जनता पार्टी की यही खूबसूरती है। बड़ौदा जो कि ज़्यादातर कांग्रेस का कब्जा रहा है अभी तक, जब से आरक्षण से बाहर निकली है उससे पहले इनेलो का कब्जा रहा है, तो बीजेपी वहां पर जीत कैसे हासिल करेगी, क्या मूल मंत्र है? नहीं, एक थोड़ी सी वोटों से हम पीछे रह गए थे, 4-1 हज़ार वोट और ले लेते तो सीट हमारी होती, बहुत बड़ा गैप नहीं है। और कांग्रेस अब देश में एक बिखरता हुआ दल है, कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व अपनी पार्टी को संभालने में सक्षम नहीं हो रहा है, वहाँ के यूथ में कुंठा आ रही है। और ये मेरा वाक्य नहीं है, कल को कांग्रेस ही इसकी निंदा करें कि ओम प्रकाश धनखड़ गलत कह रहे हैं, ये कांग्रेस ही कह रहे हैं। इसके अलावा अब बतौर बीजेपी अध्यक्ष आपके लिए प्राथमिकताएं क्या रहेंगी? बीजेपी कार्यकर्ता लगातार एक उस उत्साह के साथ एक अच्छे जनसेवक के रूप में कि मैं हर जगह उपलब्ध हूं, लोगों की सेवा के लिए उपलब्ध हूं। भूपिंदर सिंह हुड्डा जी नेता प्रतिपक्ष हैं, उनकी टिप्पणी आपके अध्यक्ष बनने पर आई है, उन्होंने कहा कि बराला अध्यक्ष रहे या आप धनखड़ अध्यक्ष बने, कांग्रेस को कोई फर्क नहीं पड़ता, सीट तो बड़ौदा की हम जीतेंगे। कांग्रेस को फर्क तो कांग्रेस से पड़ता है और कांग्रेस की जो आंतरिक स्थितियां हैं वो अच्छी नहीं है, स्वाभाविक स्थिति ये है। हमको फर्क पड़ता है, हमारा नेतृत्व अच्छा है, हम बिल्कुल जोश खरोश के साथ उस नेतृत्व के साथ काम कर सकते हैं। ये हैं ओपी धनखड़, नवनियुक्त प्रदेशाध्यक्ष हैं बीजेपी के, बड़े स्पष्ट शब्दों में कह रहे हैं कि कोरोना के साथ साथ बीजेपी संगठन को भी मजबूत किया जाएगा, क्योंकि कोरोना से जंग जो चल रही है उसमें अपने साथियों की सक्रियता और बढ़ाई जाएगी, 2 गज की दूरी, सैनिटाइजिंग, ये सब चीज़ों पर वो बल दे रहे हैं। साथ ही उन्होंने भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बात का भी जवाब दिया, उन्होंने कहा है कि वो ठीक कह रहे हैं हुड्डा साहब, क्योंकि कांग्रेसियों को कांग्रेस के आंतरिक कलह से फर्क पड़ता है, आपसी जो उनमें खींचातान चल रही है उससे फर्क पड़ता है। उन्होंने सिंधिया व पायलट के एग्जाम्पल भी कोड किए हैं। कैमरामैन जितेंद्र हंस के साथ चंद्रशेखर धरनी, MH1 न्यूज़, चंडीगढ़।